मोदी सरकार के इस कदम से सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। केंद्र की मोदी सरकार ने ई व्हीकल को बढ़ावा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की राह आसान हो गई है। मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए बैटरी ऑपरेटेड वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म कर दिया है। ऐसे वाहनों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एक नए नियम के अनुसार सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे दो पहिया थ्री व्हीलर या फिर चार पहिया इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड वाहनों की खरीद पर अब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। मोदी सरकार मेक इन इंडिया को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते सरकार के टॉप एजेंडे में देश के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, इसलिए सरकार ने ई व्हीकल को लेकर बड़े लक्ष्य भी तैयार किए हैं। सरकार ने तय किया है कि देश में 2023 तक थ्री व्हीलर और 2025 तक दो पहिया वाहनों की बिक्री ई व्हीकल ही करना चाहती है। इधर पीएमओ ने अपनी ओर से सुझाव दिया था कि देश में सभी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर नंबर प्लेट को अनिवार्य किया जाए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई व्हीकल थ्री व्हीलर के नंबर प्लेट को हरे और सफेद रंग के होने को लेकर आदेश जारी किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।